वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है आप सभी के लिए। आप अगर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों पहले से ही यहां पर 2200 वैकेंसी आने को थी और कार्मिक विभाग से इसका अनुमोदन भी हो चुका था। ये JPSC को भेजा ही जाने वाला था। इसी बीच में मामला ये कह सकते एक तरह से कहाँ लुप्त हो गया, ये पता ही नहीं चला कि आखिर ये वैकेंसी कहाँ चली गई। अब बिल्कुल सरकार भी सुस्त है, आयोग भी सुस्त है। तो इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब खुद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और कह सकते हैं सरकार पर वैकेंसी लाने का एक तरह से प्रेशर बन पड़ा है, दबाव बन पड़ा है। तो चलिए देखते हैं, इस न्यूज़ को पूरा कवर करते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस वैकेंसी को लेकर। स्टार्ट करते हैं। ये मामला है सारे साथियों कि कुछ जो गेस्ट फैकल्टीज थी उसको हटा दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज कराया था झारखंड हाईकोर्ट में। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने पूछा विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो रही है शिक्षकों की नियमित नियुक्तियां, यानी ये जो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पढ़ा रहे हैं, इसके जगह आप लोग अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे, परमानेंट नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे। इसको लेकर कड़ी फटकार लगाई है झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को और विश्वविद्यालय को। हाईकोर्ट ने चांसलर समेत विश्वविद्यालय के जो VC हैं उसको भी बनाया है प्रतिवादी। कौन से कोर्ट में? झारखंड हाई कोर्ट में, जो रांची में स्थित है वहाँ से ये न्यूज आ रही है। साथियों, न्यूज क्या है देखिए, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सीधो कानू विश्वविद्यालय दुमका में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने को लेकर दया याचिका पर सुनवाई हुई। कुछ गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में इसके लिए अप्लाई किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। प्रतिवादी राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की ओर से जवाब दायर नहीं करने पर अदालत ने क्या हुआ, नाराजगी जताई। साथ ही चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी व राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दायर करने को कहा। आज शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लोगों को अब देना पड़ेगा। कि अदालत ने मौखिक रूप से कहा संविदा पर कब तक बहाली होगी, JPSC को अब जवाब देना है कि संविदा तक कब तक बहाली होगी, नियमित बहाली क्यों नहीं हो रही है। अदालत ने यह भी पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए क्या JPSC को अध्याचना भेजी गई है। यस, यहाँ पे मामला फंसेगा। पिछले बार जब कार्मिक विभाग में फाइल थी, अब इसे अगला कदम था JPSC को भेजना। तो क्या JPSC को भेजी गई और इतने दिनों से कहाँ है? JPSC के पास 1 साल पहले ही भेजा जाना था। कार्मिक विभाग में मैं इस न्यूज़ को बराबर कवर कर रहा हूँ, 1 साल पहले का बात है। ये कार्मिक विभाग में फाइल पड़ी हुई है, सभी विश्वविद्यालय से रोस्टर क्लियर करके वहाँ पर जमा कर दी गई है। JPSC को अध्याचना भेजा जाना था, लेकिन क्या भेजी गई है, हाईकोर्ट ने सवाल किया है। JPSC को अध्याचना मिली है, ये साफ साफ पूछ लिया है। देखिए क्या जवाब आता है, क्योंकि अगला सुनवाई आपका 10 सितंबर को है। 10 सितंबर को अगली सुनवाई आएगी। आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होकर इस न्यूज़ को कवर करूंगा। और मेरा इस वैकेंसी पे बहुत ही दिनों से मैं इस वैकेंसी को कवर कर रहा हूं। एक तरह से कहते हैं मेरा भी इस वैकेंसी पर एम्बिशन बन चुका है, एक तरह से कहते हैं मेरा भी टारगेट बन चुका है वैकेंसी कि कब आएगी, और मैं भी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, ताकि मैंने जो सूचना आप सभी को दी है, आपको दी गई सूचना कहीं गलत साबित नहीं हो। कुछ लोग कहते थे नहीं ये फॉल्स न्यूज़ है, लेकिन नहीं साथियों, मैंने बिल्कुल आपको 100% सच्चा न्यूज़ दिया है, और ये न्यूज़ बहुत ही जल्द आपको 100% आपके सामने आ जाएगा, आप पर्दाफाश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जिस प्रकार 10 सितंबर को अगली डेट है, आप देखेंगे JPSC को अध्याचना नहीं गई होगी तो हो सकता है उसके पहले भेज भी दी जाए और आपका विज्ञापन जल्दी आ जाए। यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए और हाईकोर्ट का बात आयोग माने और सरकार भी माने, क्योंकि सरकार अभी 24 को चुनाव में जाएगी, विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए सरकार भी चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो। इसीलिए सरकार के पास भी यह संज्ञान में जाएगा तो सरकार भी चाहेगी इसी बहाने वैकेंसी को निकाल ही दिया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको एक बड़ा वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और पदों की संख्या 2200 के आसपास रहेगी और परमानेंट सभी पोस्ट रहेंगे। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है।
बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए और जैसे आगे कोई अपडेट्स आती है पुनः आप सभी के लिए उपस्थित होऊंगा और सारे डिटेल्स दूंगा। इसके साथ ही वैकेंसी आने के बाद आगे की सभी तैयारी भी आपको सही गाइडलाइन भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहें, जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो, जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो का सूचना आपको मिले और आप हर एक अपडेट से अपडेट रह सकें। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच।